हेलो सोल्जर्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभी सीख, और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभी सीख। तो आज जो है इंडियन नेवी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी है, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग जानना भी चाहते थे, तो वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें दो तीन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप AMR SSR एंड AA की वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को बतानी है। वो अगर आप मिस करते हो तो समझ लो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। तो अब यहाँ से 1 मिनट तक ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बाकी अपनी बात जो होगी वो टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले ये सुनो क्या है इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडियन नेवी AMR SSR एंड AA के एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली तैयारी करना शुरू कर दोगे, और पहले से कर भी रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD DB के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एग्जामिनेशन नज़दीक है। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का भी एग्जाम नज़दीक है, और NDA का भी एग्जामिनेशन। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कल एक ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज चलने वाली है मेरे द्वारा। आप देख रहे हो ना, 13th ऑफ मार्च 2021 को। टाइमिंग आप देख लो, 10 बजे सुबह में, उसके बाद 12 बजे दोपहर को, 2 बजे दोपहर को, और रात के 8 बजे। ये 4 क्लासेस कल जबरदस्त आने वाली हैं अकेडमी पे मेरी, और ये फ्री क्लासेस हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री हैं, और डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक है। वहां से जाकर के अभी आप चाहो तो नोटिफाई मी करके वहां पे कर लोगे सेटिंग, और उसके बाद जब भी आप के पास नोटिफिकेशन जाएगा, जब आप क्लास ओपन कर लेना, यानी कि जिस टाइम पे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उस टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड आपको बस डालना होगा फ्री अनलॉक कोड पहली बार में AB Study 10 है कोड, ये डालोगे आप ज्वाइन कर लोगे। वैसे जाकर अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो अकेडमी पे, तो ये देखो प्रोफाइल मेरी आपकी स्क्रीन पर है, यहां से जाकर मुझे देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। देख रहे हो ना यहां पे प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है, जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो अपन अकेडमी पे। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का भी लिंक है, साथ ही साथ ये क्लासेस का भी लिंक है। तो जाओ एनरोल करो और फायदा उठाओ, जितना ज्यादा हो सके करके जाओ आप, और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो। कल आपको बहुत जबरदस्त क्लास वहां पे आपको देखने को मिलेगी, सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूं वहां मैं। तो चाहो ज्वाइन करो। अभी के लिए टॉपिक पे बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आज के टॉपिक में। होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्लासेस के लिए इनरोल जरूर कीजिएगा, फ्री क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री में मैं वहां पे आपको क्लासेस देने वाला हूं, और कल जबरदस्त क्लासेस, 4 क्लासेस होंगी जबरदस्त तरीके से, जरूर इनरोल कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है कि अनलॉक कोड आपको डालना है वो है AB Study 10, वो डाल करके पहली बार में आप इनरोल कर लोगे फ्री क्लास के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो चीज़ है कि क्या है अपडेट और इसमें क्या क्या हो रहा है अभी के लिए। तो अभी आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक बार में। सबसे पहली चीज़ है कि जो ट्रेनिंग सेंटर था वो नहीं हुआ था खाली, और इसमें टाइम लग रहा था, पहली चीज़ वो। तो उसके लिए खबर ये है कि अब बहुत जल्दी वो चीज़ें क्लियर होने वाली है, वो खाली होने वाली है। तो पहली अपडेट ये है कि वो जो कि क्लियर हो गया हमारा। दूसरी चीज़, दूसरा ये कि जो ट्रेनिंग सेंटर है और उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें हैं लाइक एडवर्टीजमेंट के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरी खबर ये भी है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसमें लगभग लगभग चीज़ें सही हैं, लेकिन वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड कब रिलीज़ करना है नोटिफिकेशन को, इसको लेकर के समस्या आ रही है, जिसके लिए बहुत जल्दी एक बैठक भी होने वाली है इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, 2 खबरें। अब तीसरी बात पर बात करेंगे, ये ध्यान से समझिएगा, जो बैठक होने वाली है उसमें क्या डिस्कस होने वाला है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले तीसरी जो बात है वो आपको इंपॉर्टेंट दिखा दूँ, जो RTI के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI करा गया था इंडियन नेवी को, और उसका रिप्लाई क्या आया है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या उन्होंने बताया है अभी के लिए, वो आप लोगों को बता देता हूं क्या उन्होंने करा है। RTI के जवाब देने में वो लोग कितना टाइम ले रहे हैं, तो जो RTI करी गई थी उसके लिए रिप्लाई देख लो। यहां पे रिप्लाई में क्या चीजें दी गई हैं अभी के लिए वर्तमान में। Your appeal is disposed of and sent to hard copy of your given postal address. यानी कि आपकी जो अपील है, आपने जो पूछा था, इसमें बेसिकली पूछा क्या गया था वो बता देता हूँ। इसमें पूछा गया था कि SSR and AA की जो वैकेंसीज हैं वो कब तक रिलीज़ करी जाएंगी SSR AA AMR के लिए, तो उसके लिए जो वैकेंसीज़ हैं कब तक रिलीज़ की जाएंगी, उसके लिए जवाब जो है पोस्टल एड्रेस के थ्रू आ रहा है। बहुत जल्दी वो जवाब आ जाएगा, उसके बाद वो मैं रिवील कर दूंगा आपके सामने कि कब आ रही है वैकेंसीज़। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी महीने की जो डेट्स आ रही हैं आने वाली, अपकमिंग डेट्स वो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ वाली मैं बात कर रहा था उसके लिए क्या है।
तो जो डेट ऑफ बर्थ वाली आरटीआई थी उसमें क्या था, महाशय इस आरटीआई के माध्यम से मैं भारतीय नौसेना के कुछ मुद्दों पर अपील कर रहा हूँ, कृपया इसे अमल में लाएं। ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, यानी कि पॉइंट नंबर वन है नौसेना भर्ती, एसएसआर डबल ए और एमआर की बहाली के लिए उम्र सीमा 17.5 से 19.5 साल तक होती है, जो कि 17.5 से 21.5 तक होना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 4 वर्ष इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मिलना ही चाहिए। दूसरा, भारतीय वायुसेना में भर्ती हेतु सीमा 17 से 20 वर्ष तथा भारतीय थल सेना में भर्ती हेतु सीमा 17 से 21 वर्ष तक है। भारतीय कोस्ट गार्ड में भर्ती हेतु उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष है तक। फिर नौसेना भर्ती में 17.5 से 19.5 तक ही क्यों है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। और तीसरा था भारतीय कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष तक दी जाती है, जो कि नौसेना एसएसआर और डबल ए के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं और डीबी वाले ट्रेनिंग करते हैं एमआर के साथ, तो दोनों की एक बराबर क्यों नहीं है, इसे सुधार की ज़रूरत है। इससे बहुत सारे बच्चे परीक्षा से बहुत ही अल्प समय में वंचित हो जा रहे हैं। तो ये पूरा आपका आरटीआई जो है इसी आधार पे करी गई है, उसके लिए रिप्लाई आ चुका है, लेकिन वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। अब क्यों नहीं दिखाऊंगा ये बता देता हूँ, बिकॉज अभी से लोग बोलना शुरू कर देंगे कि गलत है और ये सब है। तो जब तक मेरा सेकंड आरटीआई का रिप्लाई जो सेकंड वाला है वो नहीं आ जाता, तब तक मैं फर्स्ट वाले का रिप्लाई नहीं दिखाऊंगा। लेकिन उसमें इतना बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहल कर दी गई है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। तो समझ रहे हो मेरी बात को, किस डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, देखना ध्यान से स्क्रीन पर, किस डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, यानी डेट ऑफ बर्थ को यहां से यहां पहुंचाने को लेकर के। समझ गए मेरी बात को, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है और आने वाले टाइम में क्या आता है जवाब, उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, हर एक कंफ्यूजन आपका क्लियर करूंगा। तो थोड़ा टाइम आप वेट कर लो, उसके बाद बाकी सब आपके लिए आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और वैकेंसीज बहुत जल्दी रिलीज होने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए। कल की क्लास में ज़रूर ज्वाइन करना अकेडमी पे, सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर अभी चाहो तो अभी से जाकर करके और वहां पे नोटिफाई करने का नोटिफाई मी करके आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप अभी से लगा सकते हो अलार्म की तरह, जब भी क्लास स्टार्ट होने का टाइम होगा आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको अनअकैडमी पे क्लास लेनी है। पहली बार क्लास देखोगे तो AB Study 10 कोड यूज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप क्लास नहीं देख पाओगे। तो ये 2-3 खबरें थी, मीटिंग भी होने वाली है नौसेना की बहुत जल्दी और उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों तक फॉरवर्ड करूंगा। और हम सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से वैकेंसी आ जाए, तो बहुत जल्दी आपके लिए वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी। बाकी जो भी चीज़ें आती हैं आपके साथ लेकर के बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और बाकी मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का। मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज़।